गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हम अपने मैथ्स में चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले चैप्टर का नाम पढ़ते हैं, क्या है? यूनिट्री मेथड। क्या है? यूनिट्री मेथड। तो जानते हैं कि ये होता क्या है। देखिए, यूनिट्री मेथड कहाँ लगता है? जैसे आप बाजार गए और आपने एक चॉकलेट खरीदी, वो थी 5 रुपये की। कितने की थी? 5 रुपीज़ की। अब आपको वही चॉकलेट्स 10 खरीदनी हैं, तो आपने 1 चॉकलेट खरीदी थी कितने रुपये की? 5 रुपीज़ की। अब आपको 10 चॉकलेट खरीदनी है, तो आप कितने रुपए दोगे? आप शॉपकीपर को कितने रुपए दोगे? बताओ, ओरल बताओ कि आपने पहले खरीदी थी 1 चॉकलेट, वो थी 5 रुपीज़ की। अब आपको खरीदनी है 10 चॉकलेट्स, तो अगर आप 10 चॉकलेट्स खरीदते हो तो आपको कितने रुपए देने होंगे? आपको 50 रुपए देने होंगे, क्योंकि बताइए, क्योंकि आपने 1 चॉकलेट खरीदी थी 5 रुपीज़ की। अब आपको 10 चॉकलेट खरीदनी है, तो आपको 50 रुपीज़ देने होंगे। तो आपने ये ओरली बता दिया है ना, पर हम इसको लिखें कैसे? हमें इसे लिखना कैसे है? मैथ्स की लैंग्वेज में हमें इसे करना कैसे है? तो वो मैं आपको सिखाऊंगी। तो यही होता है यूनिट्री मेथड। तो आप 7 चैप्टर में यही सारे क्वेश्चंस को करना सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप एक चीज़ जान लीजिए। क्या? देखिए, आपको इस एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, पर आपको ये पता कैसे चले कि हमें इस क्वेश्चन में डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है, है ना? तो आप ही कन्फ्यूज हो जाओगे कि मुझे इसमें मल्टीप्लाई करना है या फिर डिवाइड करना है। तो उसके लिए आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखिए। देखिए, किसका ध्यान रखेंगे आप लोग? जैसे हम एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है? प्राइस ऑफ 1 dozen पेंसिल इज 24 रुपीज़। यानी कि 1 dozen पेंसिल की कॉस्ट दे रखी है कितनी? 24 रुपीज़। डजन का मतलब क्या होता है? डजन की वैल्यू क्या होती है? 12। मैं आपको कल बता चुकी हूँ। तो 12 पेंसिल की कॉस्ट दे रखी है कितनी? 24। आपको निकालनी कितनी पेंसिल की कॉस्ट है? 1। अगर आपको ज़्यादा चीज़ दे रखी हो, यानी कि 12 1 से ज़्यादा है ना, तो आपको 12 पेंसिल की कॉस्ट दे रखी है और निकालनी कितने की है? 1। तब हम करते हैं डिवाइड। क्या करते हैं? डिवाइड। ऐसे ही आप और एग्जांपल ले लीजिए। जैसे आप लेते हैं 3 वाला, इसमें आपको देखिए 5 वॉचेस कॉस्ट इज 3500, यानी कि 5 वॉच की कॉस्ट है 3500। हाउ मच डज 1 वॉच कॉस्ट? तो आपको 5 वॉच की कॉस्ट दे रखी है, कितने की निकालनी है? 1 की। तो आप क्या करोगे? दे रखा है कितना? ज़्यादा। निकालना कितना है? कम। तब हम करेंगे डिवाइड। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपके पास दे रखा हो ज़्यादा और निकालना हो कम, तब हम करते हैं डिवाइड। ठीक। अब आप देखिए एक और एग्जांपल। जैसे आपके पास दे रखा है, इफ़ 1 doll कॉस्ट 500 rupees, यानी कि आपके पास 1 doll की कॉस्ट दे रखी है कितनी? 500 rupees। आपको कितनी डॉल की कॉस्ट निकालनी है? 6। तो आपके पास दे रखा है कम, निकालना है ज़्यादा, तब हम क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई करेंगे। आपके पास दे रखा है कम, निकालना है ज़्यादा, तब हम करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक। और ज़्यादा दे रखा है, निकालना है कम, तब हम करते हैं डिवाइड। और दे रखा है कम, निकालना है ज़्यादा, तब हम करते हैं मल्टीप्लाई। आप इस चीज़ को समझें। अब हम आगे बढ़ें, क्वेश्चन को सिखाऊं मैं आपको। ठीक। तो आप लोगों को समझ में आया क्या था? मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ। अगर आपके पास दे रखा है ज़्यादा, निकालना है कम, तब आप करेंगे डिवाइड। और दे रखा है कम, निकालना है ज़्यादा, तब आप करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक। अब क्वेश्चन को पढ़ें। फर्स्ट, प्राइस ऑफ 1 dozen पेंसिल इज 24 रुपीज़, यानी कि 12 पेंसिल की कॉस्ट दे रखी है कितनी? 24 रुपीज़।
व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ वन पेंसिल, तो आपको वन पेंसिल की कॉस्ट निकालनी है। आपको पता है डिवाइड करना है, अब इसे लिखें कैसे इसको मैं सिखाती हूँ नोटबुक पर। देखिए अभी आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया, देखिए अब इसको लिखेंगे कैसे। आपके पास क्या दे रखा है, वन डजन, तो मैंने बताया था वन डजन की वैल्यू क्या होती है 12। तो अब क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ 12 पेंसिल कितनी हो गई 24, यानी कि 12 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो गई 24। अब आपको क्या करना है, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, आपको वन पेंसिल की कॉस्ट निकालनी है। तो 12 पेंसिल की कॉस्ट दे रखी थी 24, निकालनी थी वन पेंसिल की, तब हम क्या कर देंगे 24 को 12 से डिवाइड दे देंगे। तो 12 की टेबल आती है आपको, 24 को 12 से डिवाइड दीजिए, बताइए क्या आएगा आंसर 2। तो आपकी कॉस्ट क्या आ गई 2 रुपीज़, तो आपकी कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल आ गई 2 रुपीज़। आपको क्वेश्चन समझ में आया। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार इन 5 आवर इज 200 किलोमीटर, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 1 आवर। तो आपको 5 आवर में जो कार है वो डिस्टेंस कवर करती है 200 किलोमीटर, आपको निकालनी है 1 आवर की वैल्यू कि आपकी कार अगर 1 आवर में चलेगी तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो आप क्या कर दोगे, इसमें दे रखा है ज़्यादा है ना, 5 आवर की वैल्यू दे रखी है और निकालना है कम, तब आप क्या करोगे इसको डिवाइड दे दोगे। ठीक, आगे बढ़े, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 5 वॉचेस कॉस्ट 3500 रुपीज़, हाउ मच डज वन वॉच कॉस्ट। तो आपको दे रखी है 5 वॉच की कॉस्ट कितनी 3500 रुपीज़, आपको वन वॉच की कॉस्ट निकालनी है। दे रखी है ज़्यादा, निकालना है कम, तब हम क्या करते हैं डिवाइड। तो इसको आप नोटबुक पे समझें। देखिए आप क्या लिखोगे, कॉस्ट ऑफ 5 वॉचेस 3500 रुपीज़, आपको कितने वॉच की कॉस्ट निकालनी है 1, तो कॉस्ट ऑफ 1 वॉच आप 3500 को 5 से डिवाइड दे दोगे। तो दीजिए पहले 35 को 5 से डिवाइड दीजिए, तो 5 7 35, अब बचे क्या हैं 2 ज़ीरो, तो वो लगा दीजिए, तो आपकी कॉस्ट ऑफ वन वॉच आ गई 700 रुपीज़। क्लियर, आगे बढ़े। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इन 25 डेज आ होस्टल यूज्ड 200 लीटर्स ऑफ ऑयल, यानी कि क्या दे रखा है, होस्टल में 25 डेज में 200 लीटर ऑफ ऑयल यूज हो गया। तो हाउ मच इज यूज्ड इन 1 डे, तो एक दिन में कितना ऑयल यूज होगा। तो दे रखा है ज़्यादा, निकालना है कम, हम क्या करेंगे डिवाइड। अब किसका किस में करेंगे, 200 को 25 से डिवाइड दे देंगे। क्लियर, देखिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5, द प्राइस ऑफ 1 क्विंटल, 1 क्विंटल का मतलब होता है 100 kg, तो आपको प्राइस दे रखी है 100 kg ऑफ शुगर इज 900 रुपीज़, तो व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ शुगर। तो आपको 100 kg ऑफ शुगर की प्राइस दे रखी है, आपको 1 kg ऑफ शुगर की प्राइस निकालनी है। तो आप क्या करोगे, आप 900 को 100 से डिवाइड दे दोगे, तो आपकी 1 kg ऑफ शुगर की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, अ फैमिली कंज्यूम्ड 42 kg ऑफ राइस इन अ वीक, एक फैमिली है, एक परिवार है जिसमें 42 kg ऑफ राइस एक हफ्ता, एक वीक देख रहा है ना, तो वीक का मतलब क्या होता है एक सप्ताह, तो एक फैमिली में 42 kg ऑफ राइस एक वीक में यूज़ हो जाते हैं। तो हाउ मच डू दे यूज़ ईच डेज, देखिए आपके पास 1 वीक दे रखा है, 1 वीक में 42 kg ऑफ राइस यूज़ हो जाते हैं, तो ईच डे में यानी कि
एक डे में कितना राइस यूज होगा, तो आप इसको नोटबुक पे देखिए। देखिए आप लोग क्या लिखोगे, अ वीक इज इक्वल टू 7 डेज, एक वीक में 7 डेज होते हैं। अ फैमिली कंज्यूम्ड राइस इन अ वीक 42 kg, एक फैमिली राइस एक वीक में कंज्यूम्ड करती है 42 kg, तो अ फैमिली कंज्यूम्ड ईच डे। तो देखिए एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो हम क्या करेंगे, 42 को 7 से डिवाइड दे देंगे, तो दीजिए 7 6 42, तो एक फैमिली कंज्यूम्ड ईच। तो आपको क्वेश्चन समझ में आए, आगे बढ़े। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है, अ डजन नोटबुक्स कॉस्ट 48 rupees, डजन का मतलब क्या होता है 12, तो 12 नोटबुक्स की कॉस्ट है 48 rupees, हाउ मच विल वन नोटबुक्स कॉस्ट, दे रखी है 12 नोटबुक्स की कॉस्ट, निकालनी है 1 नोटबुक की कॉस्ट, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड देंगे। ठीक, क्या करोगे आप लोग, 48 को 12 से डिवाइड दे दीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आज आपको होमवर्क में क्या करना है, 7 चैप्टर की एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 7 करने हैं। ओके, गुड बाय।